नमस्कार, मैं दिव्या धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के प्रमुख खबरों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने फ्रांस दौरे के दौरान फ्रांस के दिग्गज फैशन कंपनी सनेल की सीईओ लीना नायर से मुलाकात की। लीना नायर ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात पर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा है कि वह व्यवसाय में महिलाओं और बेटियों का समर्थन करने के इच्छुक हैं। पेरिस में पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सनेल की ग्लोबल सीईओ लीना नायर ने कहा कि प्रधानमंत्री से मिलकर बेहद खुशी हुई है, उनसे बात करना मेरे लिए गर्व का क्षण था। शिरोमणि अकाली दल ने कहा है कि 22वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता का प्रस्ताव दिया था जो देश के हित में नहीं है। वास्तविक देशव्यापी अंतर धार्मिक सहमति के बिना यूसीसी लागू करना खासकर अल्पसंख्यकों के बीच संविधान की भावना का उल्लंघन होगा और यह भय पैदा करेगा। आयोग के सदस्य को भेजे पत्र में पार्टी अध्यक्ष सुखबीर बादल ने लिखा, एकरूपता को एकता के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। भारत विविधता में एकता का प्रतीक है, एकरूपता में नहीं। संयुक्त राष्ट्र में संस्थापक सदस्यों में भारत भी शामिल था। अब तक यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का 8 बार सदस्य रह चुका है। आखिरी बार 2021-22 में अस्थायी सदस्य बना था, मगर पूरी योग्यता और व्यापक समर्थन के बावजूद अभी अस्थायी सदस्य की बाट जो रहा है। गौरतलब है कि अस्थायी सदस्यता के मामले में भारत को दुनिया भर का समर्थन हासिल है, सिवाय चीन के। ताजा परिप्रेक्ष्य में ब्रिटेन ने सुरक्षा परिषद में विस्तार का समर्थन करते हुए कहा है कि भारत, जापान, ब्राजील समेत अफ्रीकी देशों को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट दी जाए। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में शुरू किए गए चीता प्रोजेक्ट में पिछले 4 महीनों के दौरान 8 चीतों की मौत हो चुकी है। कई चीतों की मौत का सटीक कारण अभी तक तय नहीं हो सका है, बजाय इसके इनकी मौतों के अलग अलग कारण बताए गए हैं। शुरू में कहा गया है कि उनकी मौत आपसी संघर्ष के कारण हुई और बाद में उनकी मौत को बीमारी के कारण बताया गया। पीएम अपनी फ्रांस की यात्रा खत्म कर चुके हैं। यहाँ वो 2 दिनों की आधिकारिक यात्रा पर गए थे। यहाँ उन्होंने राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों से बातचीत की और दोनों देश के दोस्ती के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शुक्रवार शाम पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों ने साझा बयान जारी किया। इस बयान ने फ्रांस और भारत की दोस्ती को और मजबूत करने की बात की गई। इसके साथ ही इंडो पैसिफिक में आपसी सहयोग और शांति पर भी बात हुई है। बीसीसीआई ने एशियाई खेलों के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया। हरमनप्रीत कौर एशियाड में टीम इंडिया और कप्तानी करेंगी और स्मृति मंधाना उपकप्तान होंगी। बता दें कि 19 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक जेजियांग में आयोजित होने वाले 19वें एशियाई खेल हांगजो 2022 का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ प्रमुख द्विपक्षीय मुद्दों पर बैठक करने के लिए आधिकारिक यात्रा पर अबू धाबी पहुंचे हैं। हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया गया। इससे पहले प्रधानमंत्री 2 दिवसीय फ्रांस दौरे पर रहे। इससे कुछ घंटे पहले यूएई ने कहा कि भारत के साथ उसकी आर्थिक साझेदारी दोनों देशों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यूएई के विदेश व्यापार राज्य मंत्री डॉक्टर थानी बिन अहमद अल जईदी ने कहा है कि नई दिल्ली के साथ गैर तेल व्यापार 2030 तक 100 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। ट्विटर को मेटा के थ्रेड्स से टफ कंपटीशन मिल रहा है। महज 5 दिनों में थ्रेड्स ने 100 मिलियन का यूजर बेस हासिल कर लिया था। कई यूजर्स ट्विटर से थ्रेड्स पर स्विच कर रहे हैं। इस बीच कंपनी ने ट्विटर यूजर्स के लिए एक नया फीचर रोल आउट किया है जो उन्हें स्पैम मैसेजेस से बचाएगा। दरअसल वर्तमान में ट्विटर पर सभी लोगों को कई तरह के स्पैम मैसेजेस मिलते हैं। इसको लेकर कई यूजर्स ने एलन मस्क और कंपनी से शिकायत की थी। अब कंपनी ने एक नया फीचर स्पैम को रोकने के लिए जारी किया है जो 14 जुलाई से लाइव हो गया है। विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर लोगों के विचार भेजने के लिए समय सीमा बढ़ाकर 28 जुलाई कर दी है। आयोग ने गत 14 जून को यूसीसी पर संस्थाओं व आम लोगों से प्रतिक्रिया मांगी थी। प्रतिक्रिया देने की 1 माह की समय सीमा शुक्रवार को खत्म हो गई है। हालांकि विधि आयोग ने अब इसे बढ़ा दिया है। कोई भी इच्छुक व्यक्ति, संस्थान और संस्था विधि आयोग की वेबसाइट पर 28 जुलाई तक यूसीसी पर टिप्पणी कर सकता है। अब तक डाक द्वारा भेजी गई लिखित प्रस्तुति के अतिरिक्त वेबसाइट पर 50 लाख से अधिक प्रतिक्रियाएँ प्राप्त हो चुकी हैं। अगर आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि सरकार ने विभागीय अधिकारियों को पात्र किसानों की सूची तैयार करने का निर्देश दिए हैं। साथ ही जिन किसानों ने सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के मुताबिक जरूरी अपडेट नहीं किए हैं उन्हें लिस्ट से बाहर रखने के लिए कहा गया है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार भी लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभ से हाथ धोना पड़ेगा। SBI ICICI क्रेडिट कार्ड यूज़ करने वालों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि संबंधित बैंक के क्रेडिट कार्ड धारकों को स्वैप मशीन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। सीधे ग्राहक कार्डों को UPI से लिंक कर पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इस बार व्यक्ति के पास अकाउंट में पैसा नहीं होता जिसकी वजह से वे UPI से पेमेंट नहीं कर पाते थे। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के लिए उन्हें स्वैप मशीन की ज़रूरत होती थी। BHIM ऐप ने लगभग 11 बैंकों को UPI से पेमेंट करने की अनुमति प्रदान की है, जिसमें ये दोनों बैंक भी शामिल हैं।
ऑस्ट्रेलिया और एशिया के आसपास समुद्र के पानी में पाए जाने वाले विषैले सांप की एक प्रजाति एनालेटेड सी स्नेक रंगों के एक विस्तारित पैलेट को देखने के लिए विकसित हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि इसके पूर्वजों ने पहले बदलते परिवेश की प्रतिक्रिया में क्षमता खो दी थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा जीनोम बायोलॉजी एंड एवोल्यूशन में प्रकाशित एक नए पेपर के अनुसार यह जानकारी सामने आई है। जानवर में रंग दृष्टि मुख्य रूप से विजुअल ऑप्शनिक नामक जीन द्वारा निर्धारित होता है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने दो भाइयों की दलीलों को खारिज कर दिया जो अपनी बुजुर्ग माँ को गुजारा भत्ता देने को तैयार नहीं थे। कोर्ट ने कहा कि वे कानून, धर्म और रीति रिवाजों से बंधे हैं, इसलिए दोनों भाइयों को अपनी माँ को गुजारा भत्ता देना होगा। बता दें कि मई 2019 में गोपाल और महेश नाम के दोनों भाइयों को मैसूरू के असिस्टेंट कमिश्नर ने उनकी माँ वेंकटम्मा को भरण पोषण के लिए प्रतिमाह 5,000 रुपए देने का आदेश दिया था। इसके बाद दोनों भाइयों ने इस फैसले को डिप्टी कमिश्नर के समक्ष चुनौती दी, जिन्होंने राशि बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी। आयकर से राहत को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया। उडुपी में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मोदी सरकार ने मिड क्लास को कई टैक्स बेनिफिट प्रदान किए। इसके तहत हर साल 7.27 लाख रुपए तक की आमदनी वालों को किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने समाज के किसी भी वर्ग को नहीं छोड़ा है। कुछ लोगों ने इस पर संदेह किया था जब साल 2023-24 के केंद्रीय बजट में 7 लाख रुपए तक की आमदनी के लिए आयकर छूट प्रदान करने का फैसला किया गया था। भारत में आने वाले दिनों में OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, डिज्नी और अन्य को अपने अपलोड किए गए कंटेंट में मौजूद अश्लीलता और हिंसा पर कैची चलानी पड़ सकती है। बिजनेस टुडे की एक खबर के मुताबिक एक सरकारी दस्तावेज और विश्वसनीय सोर्स का कहना है कि भारत सरकार ने OTT कंपनियों को इस बारे में सूचित किया है कि उनकी कंटेंट को ऑनलाइन करने से पहले अश्लीलता और हिंसा के लिए इंडिपेंडेंट टेस्ट से गुजरना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में फ्रांस के 2 दिवसीय दौरे पर थे। इस दौरान उनके आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल में कई बड़े उद्यमी मौजूद थे। इसमें बोट के CEO और सह संस्थापक अमन गुप्ता को भी आमंत्रित किया गया था। अब अमन गुप्ता ने फ्रांस दौरे को लेकर अपना अनुभव साझा किया। इस दौरे का विस्तृत वर्णन देते हुए अमन गुप्ता ने बताया कि उन्होंने इंडो फ्रेंच CEO फोरम में मेक इन इंडिया और भारतीय स्टार्टअप के बारे में बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस दौरे पर मुझे फ्रांसीसी मंत्रियों और कॉरपोरेट से भी मिलने का और लूवर में एक राजकीय रात्रि भोज में शामिल होने का मौका मिला। असेसमेंट ईयर्स 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की प्रक्रिया जोर शोर से चल रही है। हर रोज लाखों टैक्स पेयर अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स रिटर्न की प्रोसेसिंग शुरू कर दी और टैक्स पेयर्स को रिफंड के पैसे भी भेजने जाने लगे। पंजाब के अमृतसर से लगी भारत पाकिस्तान सीमा पार एक पाकिस्तानी शख्स शनिवार को भारत में घुसा है, जिसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF के जवानों ने तुरंत पकड़ लिया, लेकिन उसके बाद उसे पाकिस्तानी रेंजर्स को सौंप दिया गया। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक शनिवार सुबह एक पाकिस्तानी नागरिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर भारतीय क्षेत्र में घुस आया था। इसके तुरंत बाद BSF के जवानों ने उसे पकड़ लिया। जांच के दौरान उस पर किसी तरह का संदेह न होने पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को वापस कर दिया गया। यूरोपीय पुनर्संगठन एवं विकास बैंक के अध्यक्ष ओर्डिले रेनो बासो की रविवार से शुरू हो रही भारत यात्रा के दौरान G20 देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक के अलावे बहुपक्षीय विकास बैंकों में सुधार का एजेंडा भी चर्चा में रहने की संभावना है। रेनो बासो अपनी भारत यात्रा की शुरुआत रविवार को गांधीनगर में G20 देशों के वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की बैठक से करेंगे। उसके बाद वह राजधानी दिल्ली में आयोजित भारतीय उद्योग परिसंघ के एक गोलमेज सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे। पटना में प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेता विजय सिंह की मौत पर तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के द्वारा नकारात्मक राजनीति की जा रही है, र्यूमर फैलाने में बीजेपी माहिर है। इस तरह का इल्जाम लगाया जाए तो किसान आंदोलन में हुई कई मौत के लिए प्रधानमंत्री पर भी आरोप लगाए जाएंगे। किसानों की मौत कैसे हुई, मणिपुर की घटना पर बीजेपी के लोगों पर आरोप लगाना चाहिए। इस तरह की राजनीति देश और बिहार राज्य के लिए ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आधिकारिक 2 दिवसीय फ्रांस यात्रा यादगार रही। PM मोदी फ्रांस दौरा समाप्त करने के बाद संयुक्त अरब अमीरात के लिए रवाना हो गए। उन्होंने ट्वीट किया, फ्रांस की यह यात्रा यादगार रही है, इसे और भी विशेष बना दिया गया क्योंकि मुझे बैस्टिल दिवस समारोह में भाग लेने का अवसर मिला। भारतीय सैन्य दल को परेड में गौरवपूर्ण स्थान पाते देखना अद्भुत था। साधारण गर्मजोशी और आतिथ्य के लिए मैं राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और फ्रांस के लोगों का आभारी हूँ। मेरी कामना है कि फ्रांस और भारत की यह दोस्ती नई ऊंचाई छूती रहे। दिल्ली में यमुना का जलस्तर भले ही कम हो रहा है, लेकिन अभी भी कई इलाके बाढ़ के पानी में डूबे हुए। कई जगहों पर लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। इस बीच दिल्ली में आई बाढ़ को लेकर राजनीति आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि दिल्ली को जानबूझकर डुबाया गया और इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के फैसले के अनुसार बिहार का सूधा अब दूसरे राज्यों में भी मिलेगा। सूधा के बूथ दिल्ली मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट पर भी दिखेंगे। अब उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में भी सूधा दूध का और दूध के उत्पादों की बिक्री हो जाएगी।
अब उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में भी सुधा दूध और दूध के उत्पादों की बिक्री की जाएगी। वहीं कॉम्फेड की ओर से इस साल एक दिन में कुल 25 लाख किलो दूध संग्रहण किया गया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार में विधानसभा मार्च पर पुलिस की लाठीचार्ज प्रकरण में जाँच के लिए 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित की है। पार्टी की समिति विधानसभा मार्च में जहानाबाद के दिवंगत जिला महामंत्री विजय सिंह के स्वजनों और घायल कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर कुशल क्षेम जानेगी। इसके बाद समिति नड्डा को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है बाबूलाल मरांडी, मोहम्मद साकिर हुसैन, राहुल सिंह, रविशंकर, नौसाद अंसारी, अनसुप्रिया। बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपके क्षेत्र में भी वर्षा के कारण फसलों को नुकसान हुआ है? आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।